और यहाँ पर गंगा स्नान है, ये हर की पौड़ी का घाट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लॉकेट वॉकेट सब चीज़ें मिलती हैं और नीचे गंगा जी जो कि इसकी कई धाराएं बहती हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी धाराएं दिखाई दे रहे हैं आपको। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ये दिखेगा सिर्फ। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाएंगे। इसके अंदर मार्केट लगता है काफ़ी बड़ा। तो चलो झंडा दिख रहा है ना, वहीं पे खड़ा हूँ मैं। रात में दिख जाऊंगा अगर आप ऊपर देखो तो। सबसे ऊपर जो तो जहाँ पे झंडा है, हर की पैड़ी का जो मेन गेट है ना, वहाँ नहीं, जहाँ जहाँ गेट से उतरे थे आप वहीं तो। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आज गंगा स्नान करने के लिए आए हैं इस पावन पर्व पर। और यहाँ पर इतनी काफ़ी जन ज़्यादा मात्रा में भीड़ है कि हमको तो लग रहा है कि हम इधर स्नान नहीं कर पाएंगे इस भीड़ के कारण। तो देख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पहुँचा और मैं आपको यहाँ की जनसंख्या ही दिखाऊंगा आज के दिन कितने लोग यहाँ पर आए। कि धीरे धीरे पानी भी कम हो जाएगा कुछ हद तक, कितना जल ले जाएंगे यहाँ से धीरे धीरे। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक लोगों की भीड़ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो कुछ दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। ये देख सकते हैं आप, इधर ये हवन हो रहा है शायद, और तो कुछ ऐसा होगा नहीं वैसे यहाँ पर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मंदिर दिखाएंगे बाद में। देख सकते हैं गाइस, वो शिव की तस्वीर है जो बड़ी वाली मूर्ति है, वो पीछे की तरफ से फोटो जा रहे हैं। और इधर रोड है, इधर पहाड़ है और गंगा जी की कई धाराएं बहती है, देख सकते हैं आप कितनी धाराएं है। मैं काउंट कराऊं तो 1 2 3, मेरे को तो अभी 3 धाराएं दिख रही है, जैसा कि एक एक पुल वो है, एक ये है, एक ये है, लेकिन यहाँ से काफ़ी धाराएं बहती है। वो पल्ली वाली पे कोई ज़्यादा स्नान नहीं कर रहे शायद, वो मेन धारा है इसकी। वीडियो पसंद आए बने रहिए वीडियो में। चलिए और कुछ दिखाते हैं आपको। जहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा तभी आपको तो देख सकते हैं, इसने अभी निकाल ही नहीं है शायद, इसमें कुछ आया नहीं। कितने ठंड में ये बच्चा ग्रिल के अंदर, कितना रिस्क, जोखिम, जो अपनी जान को जोखिम में डाल कर, देख सकते हैं आप। हम भी अंदर नहीं गए थे ठंड के मारे, पानी काफ़ी ठंडा है और ये अंदर गया, अंदर जाकर भी ये रस्सी की डोर में पानी में खड़ा है काफ़ी टाइम से, क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा है। देख सकते हैं लोग अंदर भी नहा रहे हैं क्योंकि ये पक्का घाट है। ये डेकोरेशन दोबारा से डाल दी है, पहली कोशिश की नाकाम रही,
ये देखो ये बंदा तैर गया इसमें, तैर के जाएगा पता नहीं कहाँ। लोग वहाँ इसमें तैर भी रहे, क्योंकि क्लियर पानी है इसमें, कोई ऐसी गंदगी नहीं है, स्वच्छ जल। तो बोलो जय हर। ये देख सकते गाइस पहाड़ी के कितनी ऊपर मंदिर है, और ये गंगा जी है देख सकते हैं, इधर भी गंगा जी है और इधर भी, जहाँ आप देख सकते हैं इधर भी। देख सकते हैं गाइस इसमें आप, ये है चंडी का मंदिर को ले जाने के लिए, वो क्या बोलते हैं इसे, यानी झूला सा ही होता है डिब्बा, जो कि तार के माध्यम से ऊपर की तरफ जाएगा। अभी आपको एक दो जाते हुए दिखाएंगे और फिर हम इसमें चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये कितनी ऊपर जाता है और नीचे कितनी खाई रह जाती है। तो चलिए अभी आप इसमें देखते रहिए, जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है कि लोगों को चार चार करके इसमें बैठाते हैं, ताकि किसी भी तरह की किसी को समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये हरिद्वार में आप जब जाओगे तो एक तो होता है सीढ़ियों से जाने का, और ये होता है इससे इस डिब्बे में जाने का। तो देखिए इसमें चार चार करके लोगों को बिठाते हैं और ऊपर मशीन की तरह मदद से ऊपर जाते हैं। देखना अभी आप, ये देखो ये पहला डिब्बा अभी का, और उसके अंदर चार बंदे बैठेंगे और ये ऊपर की तरफ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर सिक्योरिटी है, जो बाकायदा चार डिब्बे लोगों को बैठा कर डिब्बे को बंद कर देती है। अब फिर चार जाएंगे और उसके बाद हमारा नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ है काफ़ी है, और भीड़ होने के कारण यहाँ पर सीक्वेंस वाइज ये चलते रहते हैं। देख सकते हैं चार गए, अभी हमारा नंबर आने वाला है, बस कुछ ही टाइम की बात है। देख सकते हैं हम भी अब अपने डिब्बे में बैठकर निकल चुके ऊंचाइयों की तरफ। तो अभी देखना आप कि ये कितना ऊंचा जाएगा। देख सकते हैं आप अभी से ही ये उठने लगा है धीरे 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 धीरे। तो ये देखो ये बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। आपको नीचे सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देगा, और पेड़ झाड़ियाँ, और नीचे पत्थर का पहाड़। देख सकते हैं आप अब ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, और अब हम इससे पीछे की तरफ फुटेज लेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जाएगा। तो देख सकते हैं आप वीडियो में कि नीचे खाई है सिर्फ, और पीछे देखना आप, वो देखो वो जा रहा है और हमारे पीछे भी एक डिब्बा आ रहा है, और उससे पीछे भी आ रहा है। ये देखो ये जा रहा, यानी कुछ खाली भी चले जाते हैं तब पैसेंजर ऊपर नहीं होते। तो देख सकते हैं ये अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और ऊंचा जाएगा। वो देख सकते हैं ये तार चलता है, और ये देख सकते हैं आप ये तार की हेल्प से इतने ऊपर जाता है। और यहाँ की ऊंचाई की बात करें तो करीबन 700 से 800 फीट की गहराई है, और बाई चांस कोई दुर्घटनाग्रस्त हो तो बचने की संभावना छोड़ दें। तो आगे देख सकते हैं आप वीडियो में, जैसा कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, और इतनी ऊपर चले जाएंगे कि नीचे जो आदमी खड़े हैं वो ऐसे लगेंगे जैसे चिड़िया के बच्चे। और देख सकते हैं अब ये और ऊंचा जाएगा, और ये खाई है,
और ये पत्थर और मिट्टी मिक्स पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर जंगल ही जंगल है। ये लोकेशन की बात करें तो ये हरिद्वार का चंडी देवी का मंदिर है और यहाँ पर इनके इन डिब्बों की सहायता से इनको जो भी कहते हैं, मेरे को इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, तार के माध्यम से ये बच जाता है और इससे लोग अच्छी चढ़ाई को कुछ मिनटों में ही तय कर लेते हैं। सबकी अगर हम सीढ़ियों से जाए तो हमको करीबन 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, बट इससे जाने पर ये कुछ 4 से 5 मिनट में ही ऊपर पहुंचा देता है। 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं इसको, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कितना घना जंगल है, कितने सारे पेड़ हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आप देखते रहें। देखिए आप पीछे से और आ रहे हैं, हमारे साथ साथ चलते रहते हैं ये। तो एक वायर होता है काफ़ी मोटा जिस पर ये डिब्बा फिक्स होता है और वायर आगे की तरफ चलता रहता है जिससे कि आगे को मूव करे और आगे बढ़े। देख सकते हैं हमारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है कुछ ही टाइम बाद। ये देखिए हम ऊपर की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। अभी आप बढ़े रहिए वीडियो में, वीडियो को छोड़ कर ना जाएं। देखिए अभी ऊपर पहाड़ी की तरफ पहुंच चुके हैं हम, आपको दिख रहा होगा धीरे 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 पीछे वाला डिब्बा भी हमारे साथ ही आने वाला है। यहाँ से ऊपर उठता उठते 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 देख सकते हैं यहाँ से गंगा जी भी दिख रही है और पहाड़ियाँ भी हैं क्योंकि यहाँ से उत्तराखंड की शुरुआत होती है। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हम यहाँ पर पहुँच गए और ये इसका स्टेशन कहो या स्टॉप कहो। और ये आप इससे उतरेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी होगी जो दरवाज़ा खोलेगी और हमें यहाँ से आउट किया जाएगा और हम ऊपर की तरफ चलेंगे फिर मंदिर पर जाएंगे। तो देख सकते हैं हम अब पहुँचने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये देख सकते हैं गंगा। तो अगर आपको गंगा जी की ये हरिद्वार का ये ब्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी दिन नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।